हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडियो ब्लू बर्ड में। और कैसे हो आप लोग गाइस? आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। सब लोग घर पे ही रहना, सेफ रहेंगे हम सब लोग, और मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ करना। आज हम बात करने वाले हैं एक फ़ोटोग्राफी टिप के बारे में, जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो पूरा देखना, और कहीं पे भी समझ में ना आए, अगर कुछ भी कोई भी पार्ट समझ में ना आए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। और बात कि जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, आपको वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। नहीं तो आज हम बात करने वाले हैं वाइल्ड फोटोग्राफर जो होते हैं, जो अपने कैमरे से वाइल्ड जो फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर होता है। तो काफ़ी बार क्या होता है कि हमारे पास कैमरा नहीं होता और अच्छा मोबाइल होता है, हम उससे फ़ोटो क्लिक करके हम बहुत ही बढ़िया तरीके से एडिटिंग करके हम DSLR लुक दे सकते हैं उस फ़ोटो को। तो आज मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ कि वाइल्ड फ़ोटोग्राफी। अरे कहना क्या चाहते हो? वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आज मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ, वो एक प्रोफेशनल वाइल्ड फ़ोटोग्राफ़र है। तो चलिए मैं उसकी आपको फ़ोटोग्राफ्स दिखाता हूँ। तो ये रहा, आप भी इसे फॉलो कर सकते हो, पार्थ कंसारा ऑफिशियल करके है। तो ये देखिए आप, आपको मैं फ़ोटो बड़ी करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये किस तरीके से ब्लर हुआ है फ़ोटो। ये देखिए, ये अमेजिंग यार गाइस, ये कितना अच्छा लग रहा है। आप देखो एक बार ये फ़ोटो, काश ऐसा हमारे पास भी ऐसा कैमरा होता और हम भी ऐसी फ़ोटो क्लिक कर सकते। तो गाइस अब आपको कुछ अपने मन में कोई भी डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं जो आपको एडिटिंग सिखाऊंगा ना, उससे शायद आपको, शायद नहीं बल्कि आपको खुद पर भी विश्वास होने लगेगा कि भाई अब यह भी मैं कैमरा के बिना ही कर सकता हूँ अपने स्मार्टफोन में। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे और वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो जल्दी से शुरू करेंगे वीडियो को। तो सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट को ओपन करना है। पिक्सआर्ट को ओपन करने के बाद आपकी जो पिक है, उस फोटो को आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपको फोटो सिलेक्ट कर लेना है, आपकी जो फोटो है उसको सिलेक्ट कर लेना है। ये देखिए ये हमारी फ़ोटो हमने सिलेक्ट कर ली है। ये देखिए ये फ़ोटो कितनी आपको अभी बकवास लग रही होगी फ़ोटो, लेकिन जब आप इस फ़ोटो को एडिट कर लेंगे ना हम लोग, तो आप देखना कि कितनी अमेजिंग फ़ोटो हो गई है। तो चलिए जल्दी से मैं आपको सिखाता हूँ किस तरीके से इस फ़ोटो को एडिट करना है। तो सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पर क्रॉप के टूल्स ऑप्शन में जाना है आपको सबसे पहले, और फ़ोटो को क्रॉप कर लेना है। आपको जो भी साइज़ देनी है उस साइज़ में आपको फ़ोटो को क्लिक क्रॉप कर लेना है। तो ये 16:9 रेशियो रखना है आपको फ़ोटो का। तो आपको आपके मुताबिक फ़ोटो को क्रॉप कर लीजिए, जितनी साइज़ में आपको चाहिए उतनी साइज़ में आप फ़ोटो को क्रॉप कर लीजिए। फ़ोटो क्रॉप करने के बाद यहाँ पर जो राइट का आइकन है, ये जो, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आना है इफ़ेक्ट्स में। इफ़ेक्ट्स में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ब्लर लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है। आगे बहुत सारे ऑप्शन हैं पर हमें ब्लर चाहिए, प्रोफेशनल फ़ोटो लगे इसलिए। तो यहाँ पर ब्लर में आना है, ये जो सिंपल लिखा हुआ है ब्लर, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर इरेज में जाना है हमें, इस वाले आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर इन्वर्ट कर देना है हमें। तो क्या है, हमें फ़ोटो पूरी दिखाई देगी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इरेज करना है, फ़ोटो को जूम कर लेना है, और बाद में ये जो है मैं आपको दिखाता हूँ सब कुछ।
तो उस तरीके से आपको एडिट करना है। आपको यहाँ पर आना है और आपको यहाँ इरेज में नहीं अभी क्लिक करना है, आपको यहाँ पर रिस्टोर जो लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करना है, एक दो बार क्लिक करना है आपको वहाँ पर। और हार्डनेस को आपको लेकर जाना है 94 तक, और साइज़ आपके मुताबिक आप रख लेना जो भी साइज़ आपको चाहिए। तो फ़ोटो को जूम करके हम अब इसको पूरा फिल कर देंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, और तो अभी आप म्यूज़िक को फिल कीजिए, मैं फ़ोटो को एडिट करता हूँ जल्दी जल्दी में वीडियो स्पीड में करके, तो ज़्यादा टाइम ना जाए हमारा। तो इन्जॉय म्यूज़िक। सो गाइस, अभी हमारा ये फ़ोटो हो चुका है। आपको एकदम बारीकी से आपको यहाँ पर एडिट करना होगा, एक एक हर एक डिटेल को आपको लेना होगा यहाँ पर, तभी आपका बेस्ट फ़ोटो होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अब किस तरीके से आपको ब्लर इफ़ेक्ट को एनेबल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये वाला इन्वर्ट, इसके ऊपर क्लिक कर देना है हमें। तो अभी आपको यहाँ पर देखना है कि कहाँ आपकी भूल हुई है, मतलब कि कहाँ पर आपको ज़्यादा या कम हो गया है। तो एक तो ये रहा हमारा यहाँ मिस्टेक है, तो हम इसको पहले थोड़ा सुधार देते हैं। तो यहाँ पर आना है और इस तरीके से आपको जहाँ भी आपको भूल दिखाई दे आपकी, तो उसको हमें रिस्टोर कर देना है। तो इस तरीके से आपको कर देना है फ़ोटो को। और यहाँ पर राइट, ये जो राइट का सिंबल है इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद ब्लर को एडजस्ट करना है हमें। तो हमें यहाँ पर फुल एकदम 100% तक आपको ब्लर कर देना है। अब एक बार आप इसको देखो कि फ़ोटो कैसी लग रही है, हो गई ना एकदम कैमरा वाली फ़ोटो। तो इसी तरीके से हमें फ़ोटो को एडिट करना है और बेस्ट इफ़ेक्ट को एनेबल करना है हमें। इफ़ेक्ट आप कोई भी एनेबल करोगे इसके ऊपर, बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो इसी तरीके से आप DSLR लुक फ़ोटो को, वाइल्ड फ़ोटोग्राफी या कोई भी फ़ोटोग्राफी में ब्लर इफ़ेक्ट को एनेबल कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर कुछ भी आपको इस वीडियो में सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग यारो। तो जल्दी से कमेंट कर दो कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगला कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। तो जल्दी से मुझे कमेंट करो। और चलो, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।